सूती हो गई। बिल्कुल, और देखिए तस्वीर एक बार फिर बदल गई है, प्रति 44-42 हो गया है ये आंकड़ा, 44 पर बीजेपी, 42 पर। लेकिन जहां ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस एकदम क्लीन स्वीप करेगी, दो राउंड की काउंटिंग के बाद ये स्थिति थोड़ी सी तस्वीर इस समय रुझानों में फंसी हुई दिखाई दे रही है, 44-42। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर में भी तस्वीर लगातार बदल रही है। 49 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन पहुंच चुका है, 22 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। हरियाणा की तस्वीर मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाली है। धर्मपाल जी, रविंद्र जी, पहले धर्मपाल जी फिर रविंद्र जी आप। देखिए, चौंकाने वाली तो लग रही है, दिख रही है, सही कह रही हैं आप कि चौंकाने वाली तस्वीर है, क्योंकि जो रुझान जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाए गए थे उस हिसाब से रुझान अभी नहीं आ रहे, रुझानों में वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये स्थिति जो है बड़ी इस तरफ बढ़ रही है कि जैसे कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर में जो है कोई भी आगे बढ़ सकता है। अभी जैसे देखा, विनेश फोगाट मात्र 214 वोट से आगे है, और यहाँ मुझे लगता है कि बीजेपी का जो एंटी बीजेपी, क्योंकि अपने आप में सरप्राइजिंग है सर, क्योंकि विनेश फोगाट के इर्द गिर्द पूरा कैंपेन बुना गया था उनके चेहरे को दिखाते हुए, उनके वीडियोज वायरल करते हुए। अगर वो मार्जिन कम रहता है तो परसेप्शन लाइन में कुछ फिसलती चीज है। बिल्कुल, जो ये कह रहे थे कि क्लीन स्वीप करेंगे, मतलब कांग्रेस तो सुपड़ा साफ कर देगी सबका। हाँ। आंधी है कांग्रेस की, वो आंधी मुझे अभी दूसरे राउंड के बाद तो हमारे बाकी मेहमान जो इधर बैठे हैं उनके पास जाता हूं। मुमताज आलम साहब, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। आंकड़ों की उलटफेर को आप कैसे देख रहे हैं? आंकड़ों में उलटफेर ये शाम तक जारी रहने वाली है या स्थायित्व आ सकता है कुछ? नहीं, देखिए ये कुछ भी हो सकता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज जिस पे जिक्र नहीं हो रहा है कि जिस तरह से चुनाव के बिल्कुल आखिरी दौर में अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। भले ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वहां पे कामयाब न हो, सीट न जीते, लेकिन कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में हो सकता है कि उसका बहुत अहम रोल वहां पे हो गया हो, और वो कुछ वोट्स जिससे कि वहां पे कांग्रेस की जीत जो है वो सुनिश्चित हो रही थी, तय हो रही थी। तो ये फर्क मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर भी जिक्र होना चाहिए। बाकी ये है कि अभी तो रुझान है, क्या है वो सब चीजें जो है वो सामने आएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जिक्र कम इसलिए भी हुआ सर, क्योंकि जब हम लोगों ने अपने सर्वे किया तो आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ बेहतर करती हुई नजर हमें विधानसभा में नहीं आई थी। नहीं, कामयाबी, इसलिए वो बड़ा रीजन है उसका जिक्र थोड़ा कम होना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिये, जीतने के लिए वहाँ अरविंद केजरीवाल मेरे ख्याल से गए भी नहीं, लेकिन वहाँ मैं वापस हमारे साथ रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। हाँ, रवि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र हुड्डा पीछे चल रहे हैं और आप उनकी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। रवि, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर से निकले हैं और निकलते वक्त ये कह के गए कि हमारी सरकार बन रही है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अभी फिलहाल यही बोलूंगा। मुख्यमंत्री के सवाल पर अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन घर से निकलकर जो चुनाव कार्यालय रोहतक में, जो चुनाव कार्यालय जिसका नाम जन्नत रखा गया है, उस कार्यालय तक पहुंच रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम काफिला जा रहा। हालांकि बहुत दूर नहीं है, हो सकता है 2 से 3 मिनट में हम वहां पहुंच जाएं। और वहां उनका ये रिवाज रहा है, पिछली बार भी मैंने देखा था कि काउंटिंग के वक्त घर से निकलकर अपने चुनाव कार्यालय जाते हैं, वहां पे वो रहते हैं, लोगों से कुछ बातचीत भी करते हैं। तस्वीर बदल रही है, 44 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और 42 सीटों पर कांग्रेस ने, कहा तो कांग्रेस जो है वो 68-69 सीटों तक चली गई थी। इसका मतलब क्लीन स्वीप तो कांग्रेस का नहीं दिख रहा है दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद। 44-42 बीजेपी के खाते में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है कि रिवर्स पोलराइजेशन भी हुआ है। अगर जाट एकजुट हुआ है तो अदर देन जाट जो है वो एकजुट हुआ है। और वोटिंग के दौरान मैंने आपसे कहा था सुबह जो लाइव हम लोग कर रहे थे, ये भी देखने को मिला है कि रिवर्स पोलराइजेशन भी हुआ है। दूसरा कौम, दूसरे जो लोग हैं जो अदर देन जाट हैं, उन्होंने भी जम के वोटिंग की है कि उनको लगता लेकिन है कि रवि मुझे जरा एक बात और बताइए आप। आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि नतीजों के आसपास या नतीजों के दिन खास तौर पर जो बड़े चेहरे होते हैं वो पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ कहने लग जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा बड़े आराम से उठते हैं, अभी 10 बजे का वक्त है, वो 10 बजे अपने घर से निकलते चुनाव कार्यालय की तरफ। ये भरोसा है जीत को लेकर के या स्वभाव है? नहीं, एक स्वभाव भी है उनका। देखिए, चूंकि हम 2-3 बार से उनको फॉलो कर रहे हैं तो ये उनका स्वभाव है कि आराम से, बहुत मारामारी में आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कभी नहीं देखेंगे। तसल्ली से बातचीत करते हैं, तसल्ली से हर काम करते हैं। हालांकि सुबह उनका नॉर्मल शेड्यूल देखिएगा तो नॉर्मल शेड्यूल उनको पार्क में जाकर एक्सरसाइज करने का है, वॉकिंग करने का है, खेलने का है, तो आज वो काम नहीं हुआ है। हालांकि हो सकता है फोन पे बातचीत कर रहे हो, तमाम जगह जितने भी सेंटर्स हैं उस पर अपने रिपोर्ट्स ले रहे होंगे, तो अभी भी निकले हैं गाड़ी में तो निकलते हैं बातचीत करते हुए। अभी इसका मतलब कि हुड्डा जी ने 2 घंटे इंतजार किया, रुझानों को देखा, ताजा रुझानों को देखा, नेक टू नेक फाइट देखी, उसके बाद वो निकले हैं।
अगर नेक टू नेक में आकर मामला अटकता है तो यहाँ पर अदर्स और INLD की भूमिका अहम होगी। शायद अब बड़े नेताओं का निकलना जरूरी है, मेल मिलाप और फोन कॉल भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़े नेता अगर कांग्रेस की बात करें तो रणदीप सिंह हुड्डा का स्टाइल और अशोक गहलोत का स्टाइल लगभग एक है। आप गौर कीजिएगा 2018 में जब राजस्थान का चुनाव हुआ था, के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा साहब, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं लेकिन बीजेपी के लिए बहुत फेवरेबल नहीं लगाई पड़ रही हैं। हरियाणा में फिलहाल आप आगे लेकिन सुबह से पीछे थे और जम्मू कश्मीर में सिर्फ 22 सीटों पर आगे हैं, 50 हैं अलायंस के पास में। के शर्मा जी, जी सर, के शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में तो नहीं अच्छा हो रहा है जो सुबह से बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन हरियाणा में जरूर कांटे की टक्कर हमें दिखाई दे रही है, बल्ले बल्ले आपकी। देखिए पहले तो मैं कह दूं कि जम्मू कश्मीर में तो हम पहले ही जीत चुके हैं शोभना जी। कैसे? आज 10 साल बाद वहाँ जिस ढंग से जनता ने बढ़ चढ़ के वहाँ पर मतदान में भाग लिया है धारा 370 को हटाने के बाद, और एक बार बुलेट नहीं बैलेट वहाँ पर चला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे नेतृत्व की जीत है। परसेप्शन की बातें कहने की बताने का समय बीत चुका है। समय की बड़ी खबर बता दें, गढ़ी सांपला से भूपेंद्र हुड्डा आगे हो गए, एक बार पिछड़ रहे थे लेकिन अब वो आगे हो गए हैं और कांग्रेस दफ्तर की तरफ उनके गाड़ी का काफिला बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी उनके साथ बने हुए हैं। रवि त्रिपाठी, भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से आगे हो गए, उनकी गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई क्या? नहीं, गाड़ी की रफ्तार अब उनके दफ्तर तक पहुंचने वाली है, तो दफ्तर जाके हो सकता है कुछ, कई बार संयोग होता है चाहे एक टोना टोटका होता है कि कांग्रेस के दफ्तर जाने से जो पार्टी ऑफिस है, जो चुनाव कार्यालय है, वहां से मामला ठीक होता है। पिछली बार भी आप गौर करेंगे तो 9:30 बजे के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकल गए थे और उसके बाद रिजल्ट जो है ऐसा हो रहा था कि 31 तक 34 35 तक कांग्रेस दिख रही थी, और कांग्रेस और बीजेपी में पिछली बार भी इसी तरह की लड़ाई दिख रही थी। तो आगे आखिरी दौर में लड़ाई में कौन आगे निकलता है ये देखना होगा, लेकिन के शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ। के शर्मा जी, यहाँ पर दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और बीजेपी हमारे रुझानों में आगे है 46 सीटों के साथ, कांग्रेस 40 पर। क्या लग रहा है, ये आप रिटेन करेंगे, बरकरार रहेगी स्थिति या अभी बदलाव हो सकता है? शोभना जी, मैं 1.5 महीने हरियाणा में रहा और मीडिया का प्रभारी भी रहा, और मैं उस समय भी लगातार कहता था कि हम अब जो है तीसरी बार अपनी वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में, और सैनी जी दूसरी बार वहाँ पर शपथ लेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, सुबह सुबह मैंने बहुत से लोगों के बयान तो आज सुने हैं, सुबह के जो प्रारंभिक रुझान आए थे और बहुत से परसेप्शन भी मैं सुन रहा था मीडिया के, लेकिन जमीनी हकीकत को समझने में लोग बहुत कॉमन परसेप्शन ये बताया जा रहा है कि जलेबी वाला मुहावरा भी काम कर चुका है, और साथ ही साथ किसानों के मुद्दे पर जो मुखालफत बीजेपी की हुई वो फैक्टर भी है जो कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो ये 47 सीट क्या दिखा रही है? चलिए, ये सब सपोर्ट आप, मैं आपके विश्लेषण पर मुझे आपके विश्लेषण पे मैं हंस सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या करूं? अच्छा ठीक है, चलिए आलोक शर्मा, पूरा अधिकार है सर, आलोक शर्मा जी आपका पूरा अधिकार है, लेकिन उससे पहले देखते रहिएगा, यदि इसके बावजूद हम चुनाव जीत रहे हैं तो आपको मान लेना चाहिए। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जानो में आप 70 के करीब पहुंच रहे थे लेकिन अभी टैली बदल गई, तस्वीर बदल गई, आप पिछड़ गए 39 सीटों पर, बीजेपी लीड ले गई हरियाणा में 47 सीटों पर, बढ़त आगे बढ़ेगी कांग्रेस। मुझे लगता है कि आज लोकतंत्र के पारों का दिन है, लोकतंत्र के पारों का दिन है, आज भी कुंठा ठीक नहीं है, और खास तौर पर जलेबी से पता नहीं बीजेपी को क्यों एलर्जी हो गई। मैं आलोक जी आपको रोकूंगी, कुमारी शैलजा कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। मिष्ठान पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स हैं?